हेलो फ्रेंड्स, YTN यट कटिंग एंड स्टिचिंग चैनल में आपका स्वागत है। चलिए आज आप लोगों को मैं कोहनी तक की बाजू का बहुत ही सुंदर डिज़ाइन बना के दिखाऊंगी जो आजकल फ़िलहाल ट्रेंडिंग में चला हुआ है। तो उसके लिए चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये देखिए, ये जो हमारी बाजू है इसका जो फैब्रिक है इसकी लंबाई 12 इंच है और ये जो इसकी चौड़ाई ये मैंने 7.5 इंच रखी है, ठीक है। और ये जो इसके अंदर गाजरी कलर का फ्लावर दिख रहा है आपको, ये जो फूल है इसके ऊपर हम इस जैसी पाइपिंग निकालेंगे इसके ऊपर। तो ये देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरह से हम अपनी बाजू को उल्टा करेंगे। उल्टा करने के बाद अब ये देखिए, ये जो हमारा बीच सेंटर है बाजू का, यहाँ से हम 1-1 इंच के ऊपर निशान लगाएंगे इस तरह से। यहाँ इस तरह से, और ये जो हमारा यहाँ वाला कॉर्नर है यहाँ से हम 2 इंच के ऊपर इस तरह से एक निशान लगाएंगे और अब हम इन निशानों को सीधा कर देंगे मिला। और ये जो हमने 2 इंच के ऊपर निशान लगाया था यहाँ से हमने इसको गोलाई दी है और जहाँ अब हमने निशान लगाया है वहाँ से अब मैं इसकी कटिंग कर दूंगी इस तरह से। देखिए, कटिंग करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, ये हमने कुछ इस तरह से इसकी कटिंग करके नीचे से हमने गोलाई दे दी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से मैंने ये एक पट्टी ली है 1.5 इंच तकरीबन, और अब जो हमारी ये बाजू का एक ये वाला पार्ट है यहाँ पर हम इसको, ये देखिए, हम इस पट्टी को इस तरह से 1/2 इंच अंदर की साइड फोल्ड करेंगे और फिर ये हम इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे और यहाँ इसके ऊपर रखते हुए हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। ये वाली सिलाई को हमने इस तरह से लगा लिया है। अब हम इसी तरह जो हमारी बाजू का दूसरा पार्ट था अब हम इसके ऊपर भी इसी तरह से लगाएंगे। अब ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा कोना है यहाँ से हम हल्का सा कट लगाएंगे ताकि हमारी अच्छे से पाइपिंग की जो शेप है वो अच्छे से आए गोलाई की तरफ हमारी। और अब ये देखिए, हम इसको इस तरह से बाहर पलटते हुए हल्की हल्की पाइपिंग से दिखेगी इसके अंदर और बाहर की साइड हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे इस तरह से, बिल्कुल इसके किनारे के ऊपर से। ये देखिए, कुछ इस तरह से हमारी ये पाइपिंग इस तरह से निकलेगी, ठीक है। तो चलिए मैं अपनी सिलाई को कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी जो पाइपिंग है ये कितनी अच्छी से लग चुकी है, ठीक है। अब हम इसी तरह अपनी जो बाजू का दूसरा पार्ट था उसको, उसके ऊपर भी हम इसी तरह से सिलाई लगाएंगे। अब ये देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह से मैंने एक और पट्टी ली थी इसी कलर की, उसके ऊपर ये वाली मैंने सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद हम इसको उल्टा करेंगे और उल्टा करने के बाद इसके ऊपर आयरन कर लेंगे, ठीक है। अब ये देखिए, हम इसके ऊपर निशान लगाएंगे तो हम यहाँ ऊपर से 1/2 इंच छोड़ते हुए यहाँ से हम इसके ऊपर 1.5-1.5 इंच के ऊपर इस तरह से निशान लगाएंगे। ठीक है, और इसी तरह हम दूसरे पार्ट्स के ऊपर भी इसी तरह से निशान हम लगा लेंगे। अब जो हमने ये पट्टी बनाई है इस तरह से, ये देखिए, ये हम 1.5-1.5 इंच के टुकड़े बना लेंगे। अगर आप लोग चाहे तो 2 इंच के ही बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं इसमें 1.5 इंच के ऊपर ही इसके टुकड़े बनाऊंगी। इस तरह से 1.5-1.5 इंच के हम इसके टुकड़े बना लेते हैं। ये देखिए, जितने हमने निशान लगाए थे दोनों पार्ट्स के ऊपर उतने ही हमने ये टुकड़े कट कर लिए हैं, ठीक है। और अब ये देखिए, हम एक एक टुकड़े को उठाएंगे और इनको इस तरह से मोड़ेंगे और यहाँ पर हम इस तरह से अटैच करेंगे। ये जो हमने निशान लगाया था 1/2 इंच छोड़ के, ये एक एक करके
हम इन सभी को इस तरह से यहाँ अटैच कर लेंगे इसके ऊपर। ये देखिए इस तरह से ये हमने इनको लगा लिया। अब हम इसी तरह दूसरे पार्ट के ऊपर भी इसी तरह से लगा लेंगे। ये देखिए हमने यहाँ तक इन दोनों पार्ट्स को रेडी कर लिया है, ठीक है। इसके बाद अब हम डोरी बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि डोरी हम कैसे बनाएंगे। उसके लिए ये देखिए मैंने जो हमारी बाजू है उसी के जैसा फैब्रिक लिया है, और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने रखी है 1.5 इंच। इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, जो हमारा सीधा साइड है वो अंदर की तरफ इस तरह से। एक पंजे का मार्जिन के ऊपर हम ये वाली सिलाई लगाएंगे, क्योंकि हमने ये पतली बिल्कुल बारीक पतली हुई पाइपिंग निकालनी है। ये देखिए मैंने इस तरह से ये वाली डोरी को निकाल लिया है। ये देखिए पाइपिंग मैंने बना ली है। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से ये सेफ्टी पिन लेंगे और इसके अंदर इस तरह से लगा देंगे। और ये देखिएगा ये जो हमारे दोनों साइड के पार्ट्स हैं, हम सबसे पहले ये वाला है, इसके अंदर हम इस पाइपिंग के द्वारा पिन की सहायता से इस तरह से निकालेंगे, और जिगजैग वाला इस तरह से बनाते हुए एक को छोड़ते हुए एक के अंदर से इस तरह से लगाएंगे। ये देखिए मैंने इस तरफ से इस एक को छोड़ दिया है, अब इसके अंदर से निकालेंगे। अब यहाँ इसको छोड़ के इसके अंदर, ठीक है। तो चलिए मैं एक बार अपनी इस डोरी को इसके अंदर लगा लेती हूँ। ये देखिए हमने एक को एक छोड़ते हुए इस तरह से हमने इसको डाल लिया है। अब हमने यहाँ ऊपर इसके अंदर डाला, अब हम सीधा यहाँ से ये जो हमारा इस साइड से पहला वाला है हम इसके अंदर इस तरह से निकालेंगे इसको। और अब हम इसी तरह से जो हमने बीच में छोड़े हैं इनके अंदर से डालते हुए जाएंगे। ये हमने इन सभी के अंदर से इस डोरी को डाल लिया है। अब हम इनको बराबर कर लेंगे इस डोरी को। ये देखिए ये हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में हम यहाँ पर इस तरह से लटकन बनाएंगे। उसके लिए मैंने ये कपड़ा लिया है, तो इसकी जो चौड़ाई है वो 3 इंच है और इसकी लंबाई भी मैंने 3 इंच ही रखी है। तो उसको इस तरह से फोल्ड करके, ये देखिए उसके लिए हम इस कपड़े को इस तरह से फोल्ड करेंगे, और जो हमारी ये डोरी है इस डोरी को हम इस तरह से इसके बीच में रखेंगे यहाँ, और इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद ये जो हमारी ऊपर डोरी है यहाँ से हम अपनी सिलाई को शुरू करेंगे इस तरह से। और ये जो हमारा ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम कट करके बाहर निकाल देंगे। तो ये देखिए ये हमारी लटकन इस तरह से बन के तैयार हो चुकी है। इसी तरह हम अपनी दूसरी लटकन को भी लगा लेते हैं। तो ये देखिए ये मैंने दोनों को तैयार कर लिया है बना के इस तरह से। हाँ तो फ्रेंड्स ये देखिए ये जो हमारी बाजू का डिज़ाइन है वो बन के तैयार हो चुका है। ये देखिए कितना अच्छा हमारी बाजू बनने के बाद में कितना सुंदर दिखाई दे रहा है ये वाला डिज़ाइन। ये देखिए इस तरह से, ठीक है। और ये नीचे वाली जो हमने लटकन लगाई थी इनको हमने यहाँ इस तरह से बांध दिया है अपनी डोरियों को। और अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।